भगवान श्री कृष्ण ने आगे जो एक शब्द कहा कि फिर तुम अपने आहार पर ध्यान देना, फिर अपने वाणी पर, काया पर, मन पर, इस पर ध्यान देना, और आगे ले जाकर कहाँ रोकते हैं, ध्यान योग परो नित्यम, फिर ध्यानी हो जाना। अब ध्यानी होने के लिए मतलब क्या, अपनी रीढ़ पर प्रयोग करो, सारे प्रयोग ही आपके रीढ़ पर हैं। आपका जो मेरुदंड है ना, स्पाइनल कॉर्ड, सारे प्रयोग इस पर करने हैं आपने, क्योंकि ये जहां खड़ी है नीचे, किस चीज पर खड़ी, शक्ति पर, ऊर्जा पर, कुंडलिनी शक्ति पर, यहां तुम्हारी ऊर्जा है। और ये ऊर्जा किधर जा रही है, बोले इसका फैलाव नीचे की तरफ है। तुम्हारा कुंड जो है, जिसमें पानी भरा हुआ था या अमृत भरा हुआ था, वो रिस रिस कर गलत जगह जा रहा है, इसे ऊपर की तरफ उठाओ। ऊपर कहां उठाना, बोले ये सहस्रार चक्र जहां है, ब्रह्मांड से जो आपको जोड़ता है, तारों से जोड़ता है, तारों में चमक देने वाले मालिक से जोड़ता है, यहां तक लेकर आओ ऊर्जा को। तुम्हारे तरह तरह के संगीत इसी में छिपे पड़े हैं। ये सातवां चक्र है, यहां जाकर यहां तक आना है। ये सातवीं सीढ़ी है, इसको सचखंड बोलते हैं। ये सप्त द्वार है, भू भुव स्व मह जन तप सत्यम सत्यलोक, यहां तक आना है। क्यों आना है, तो कहते हैं कि तुम जो अपने जीवन में सबसे बड़ी चीज पाना चाहते हो, आप सबसे बड़ी चीज की जो किरणें निकल रही दुनिया में, तुम उनकी पंखड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, असली कमल तो यहां है। जिन्होंने ये सहस्त्र दल कमल की उपमा दी है, सिंगापुर वालों ने एक मेरे पास चित्र भेजा, हजारों पंखड़ी वाले कमल का, और उसे पूरा ग्रुप जो है एक दूसरे को दिखाते दिखाते, और उसके बाद उसे पूजने बैठ गए कि इतनी पंखड़ियों वाला कमल तो मुश्किल से होता, 50-100 पंखड़ियां हो जाए इतनी सारी। मैं उस चित्र को देख रहा, रियल चित्र है, मतलब फोटो खींचा गया, क्योंकि बुद्ध के लिए कहा जाता है कि उनके सिर को इस तरह बनाया गया, ऊपर चित्र बनाए गए जहां उल्टा कमल ऐसे खिला हुआ है। तो आपका भी यहां बहुत सारी शक्तियां यहीं से आप ग्रहण करते हैं और यहीं से प्राप्त भी करते हैं, और यहीं से आप अपनी तरंगे भेजते भी हैं। ये आपका ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर भी है। तो सारा काम फिर आपको रीढ़ पर करना होगा, इसलिए रीढ़ की साधना बड़ी अद्भुत साधना है। अब ये जो आपको कहा जाता है ना कि एकदम सीधे होके बैठना, क्योंकि तुम्हारी मुद्रा से तुम्हारे पूरे शरीर के भाव भंगिमाओं का पता लगता है, बॉडी लैंग्वेज, उसका पता इसी रूप में लगता है कि आप किस पोस्चर में बैठे हुए हैं। जब आप कुछ गर्व में होते हैं और आप अपने आप को चलते हुए बात करते हुए, अलग ही रूप होगा आपका। इसलिए ओंकार की साधना करते हुए, उद्गीत साधना जिसको आदि ध्यान कहते हैं, आदि ध्यान में यही है कि पहले नाभि चक्र में स्पंदन देने, और जब आप हृदय चक्र में आएंगे तब आपको तन के ऐसे बैठना होगा। अब ये फिर कितने इंच का आपका सीना है, ये अलग चीज है, लेकिन आपको समझ लीजिए कि जितना भी बड़ा हो सकता है उतना ही करके बैठना है, क्योंकि यहां पालनहारे के साथ आप जुड़ रहे हैं, उसके बाद आप अपने आनंद चक्र से जुड़ते हैं। अपने ऊपर प्रयोग करने के मौके मिले और गुरु के निर्देशन में मिले, क्या क्या खोज लोगे आप अपने अंदर, आपको खुद आश्चर्य होगा कि मेरे पास क्या कुछ है, मुझे तो पता ही नहीं था कि परमात्मा ने मेरे अंदर इतना कुछ भर रखा है। आपके साज में क्या कुछ है, आप इस चीज को नहीं समझ सकते। अगर समझना हो तो किसी की बांसुरी को या किसी ढोलक को आप देखें तो आपको
खोल खोल कर देख लीजिए, कुछ भी संगीत नहीं पता लगेगा, पर बजाने वाला कोई मिल जाए तब पता लगता है इसमें क्या क्या भरा हुआ है। आपका ऐसे कुछ भी पता नहीं लगेगा, गुरु मिलना चाहिए आपको। अब उसी क्रम में आते हैं हम फिर दोबारा से, जो भगवान समझा रहे हैं कि एकांत चुनिए। तो एक बात कर लीजिए, अपने घर में दुनिया से मिलने का एक कक्ष और दुनिया के मालिक से मिलने का एक कक्ष, वो बनाना शुरू करिए। वहां जहां और किसी का प्रवेश ना हो, आपकी छत, आपकी बालकनी, आपका आंगन, एक बहुत बड़े व्यक्ति फूजी पर्वत श्रृंखला के पास बने हुए जापान में एक आश्रम में गए ध्यान के बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने वहां पूछा कि ध्यान कक्ष कौन सा है। तो जहां बहुत सारी झाड़ जंकाड़ उगे हुए थे, उनके बीच में एक झोंपड़ी बनी हुई थी, बोले वहां चले जाइए। वो वहां गए तो वहां एक साधु बैठे हुए थे, उनसे पूछा यहां आप ध्यान करते हैं? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो क्या है ये? बोले ध्यान कक्ष है। फिर करते कैसे हैं? बोले ये करने की चीज नहीं है, करने की चीजें तो सारी दुनिया में है, यहां तो ध्यान घटता है। बोले ध्यान कैसे घटता है? बोले जैसे नींद घटती है। कि नींद कैसे? तो उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना होता, अपने आप को ढीला करना होता, अपने आप को आप दुनिया से संबंध छोड़ दीजिए, बाकी काम तो परमात्मा का अपने आप है, आप बस आराम से शांत होकर बैठिए, बाकी तो वो करेगा। अब उसको अजीब लगा कि ये बात समझ नहीं आई, तो बड़े गुरु के पास गया, जाकर वहां बैठ गया। महाराज आप बताओ कैसे ध्यान करूं? तो उन्होंने सिर के ऊपर ऐसे से हाथ मार के कहा ये प्याला, प्याला तो खाली करो, प्याला खाली करो, मस्तिष्क को खाली करो, मस्तिष्क को निर्विचार करो, अपनी सोच को बंद कर दो, जो तुम्हारे अंदर विचार चल रहे हैं उसे बंद कर दो। प्याला खाली हो गया, भरने के लिए परमात्मा तैयार बैठा, अमृत डालने को तैयार बैठा है, बस तुम्हें इतना ही करना है, तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम निर्विचार हो जाओ। अब वो और आगे गया और जाकर उसने एक चेले से पूछा कि भाई प्याला खाली करो, ये तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया, अमृत भरो, लेकिन खाली करना ही बड़ा मुश्किल है। खाली करने के लिए क्या करें? उसने कहा कि मैं अपना तरीका बताता हूं। अच्छा तुम अपना तरीका बताओ। बोले जब तुम बैठो ना, साक्षी भाव में बैठना, वो क्या होता है? बोले केवल दृष्टा बन जाओ, किसके? जो विचार चल रहे हैं उनके, अंदर विचार चल रहे हैं ना, कि आंखें करो बंद, पलकों को करो कोमलता से बंद, सांस जैसा आ रहा है जा रहा है इसे देखते देखते एकदम सहज शांत होना, और फिर देखने की चेष्टा करें अंदर जो विचार चल रहे हैं, किसी भी विचार के साथ पीछे पीछे मत चले जाना, विचार कोई भी आएगा उसके पीछे मत जाना, उसे जाने देना। तुम तो पुल पर खड़े हुए ट्रैफिक को चलते हुए देखो, विचारों का ट्रैफिक चल रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसे देखते रहना। बोले फिर का एक विचार के बाद दूसरा आएगा ना, उसके बीच में गैप होता है, एक गाड़ी गई दूसरी आने वाली है, बीच में गैप है, उस गैप पर ध्यान दो तुम, क्या होगा? बोले गैप बढ़ाते जाओ, गैप बढ़ता जाएगा तो गाड़ियां कम होती जाएंगी, सड़क खाली, जैसे सड़क खाली होती जाए, कुछ भी नहीं, कोई विचार नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कुछ भी नहीं, खाली, आसमान से सारे बादल बरस गए, अब आसमान हो गया खाली, अब वहां टिक जाओ। तो इसने किया, बोले कुछ तो बात बनी,
आगे और चल पड़ा, एक और व्यक्ति बैठा हुआ था, उस चेले के पास गया, जाकर बोला, भाई एक बात बताओ, आनंद तो आया, खालीबन भी आ गया, प्याला खाली करने के लिए बोला गया था, प्याला खाली भी होने लगा, लेकिन अभी अमृत की बूंद गिरे तो गिरे कैसे? मन बड़ा जल्दी विचलित हो जाता है। तुमने क्या तरीका इस्तेमाल किया? बोले हमने एक तरीका इस्तेमाल किया, क्योंकि गुरु ने तो बता दिया था प्याला खाली करो, तो हमने ये किया, हमने कहा कि लोरी गाओ, किसी एक नाद की लोरी गाओ, शाम 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 खो जाओ, बात बन जाएगी। ओ हो जाओ शांत। किया, बड़ा आनंद आया, फिर उसे लगा कि कुछ बाकी रह गया। एक दिन ऐसे टहलते टहलते एक और नदी के किनारे बैठे हुए गुरु के एक शिष्य को देखा, उसके पास गए जाके बोले, और तो सब बातें ठीक हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना, कभी तो ध्यान लग जाता, कभी नहीं लगता, क्या करूं? प्राण शक्ति पर काबू पाओ, थोड़ा प्राणायाम शुरू करो। वो भी किया तो और शक्ति आई, अच्छा लाभ मिला। उसे लगा कि यहां एक एक से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। एक और व्यक्ति मिल गए, उनके पास गए जाकर बोले, आप बताओ, आपने तो गुरु से सब पा लिया ना, गुरु जी तो ऊपर से जब बताते हैं तो हर एक आदमी अपने ढंग से प्रयोग करता है, सबके मूड अलग हैं, सबकी मनोदशा अलग है, आपने कैसे काबू पाया? बोले एक ही चीज पकड़ी मैंने तो, आंखें करो बंद, सहज होकर बैठो और एक शब्द बोलते जाओ, शांत शांत, और खुद को ढीला छोड़ते जाना, शांत 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 प्याला खाली हो जाएगा। कि फिर बोले, फिर तो उसका काम है, वो आएगा और दया हो जाएगी, क्या करूं? बोले एकांत तो ढूंढ लो अपना। आप सोचिए कि जो गुरु बैठ के ध्यान में प्रयोग कराते हैं कितनी देर लगाएंगे, उन्होंने वहीं पर रहते रहते वो सारा सब तरीके बता दिए। अब ये भी सिद्ध हो गया, लोग इसके पास आने लगे, पूछने लगे, महाराज आप मुझे तरीका बताओ। तो वो कहते थे, देखो भैया इधर आने की भी जरूरत नहीं, आप जहाँ घर में रह रहे हो ना, जो काम कर रहे हो उसमें पूरा मन टिकाओ, भोजन कर रहे हो भोजन में खो जाओ, संगीत सुन रहे हो संगीत में खो जाओ, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करो, आपको अपना मन रमाना आना चाहिए, फिर मेरे गुरु के आश्रम में आना, गुरु के पास तब आना, क्योंकि गुरु का भी टाइम खराब मत कर देना। कि यहां से शुरुआत करना शुरू कर दो, कोई भी चीज। मैं पढ़ रहा था एंड्रयू कार्नेगी के बारे में, बड़ा जल्दी वो आदमी धनी बना, बहुत जल्दी पैसा कमा के धनी हो गया, और अमेरिका के वहां के संसद में उस आदमी के बारे में रिपोर्ट चली गई और कुछ 5 सेनेटर जांच के लिए बैठाए गए। इतना जल्दी एक आदमी तरक्की कर गया, उसके बारे में पता करो, क्या कमाल किया उसने। तो उससे पहले ऑफिसर लोग उसके जांच करने के लिए आए, देखा तो उसका काम बिल्कुल ठीक है, उसके पेपर सारे ठीक हैं, उसके बाद में कमेटी के सामने पेश किया गया।
उन्होंने कहा कि भई हमने तुम्हारी रिपोर्ट देखी है, और एंड्रयू कार्नेगी वो है जिसने हाउस ऑफ नेशंस के लिए सबसे पहले शांति भवन जब बन रहा था कि दुनिया के सारे देश एक जगह बैठकर अपने समझौते कर सकें, अपने झगड़े मिटा सकें, उसके लिए सबसे पहले $35 लाख देकर उसने शांति के लिए अपना योगदान दिया था। अद्भुत व्यक्ति था। तो जब सेनेटर उसके पास बैठे और उन्होंने कहा तुम्हारी सारी चीजें ठीक मिली, लेकिन तुम इतने जल्दी अमीर कैसे बने? एंड्रयू कार्नेगी कहता है एक बात बताओ, तुम लोग जितने यहां बैठे हो किसी एक बात पर 5 मिनट अपना मन टिका सकते हो क्या? बोले तो आसान बात है। बोले करके दिखाओ। एक कोई चीज को उसी पर पूरा मन केंद्रित करो और 5 मिनट तक अपना ध्यान हिलने डुलने मत देना। 5 मिनट चाहिए एक बिंदु पर, 5 मिनट पूरी तरह दिमाग नहीं जाना इधर उधर, एक जगह टिक जाओ। अब एक जगह मन टिकाकर वो उन्होंने सोचा आसान है, अब एक बिंदु पर मन टिकाए रखना, मन तो एक सेकंड में भागकर कहां से कहां, मक्खी की तरह इधर से उधर कहां तक भागकर आ जाए। 1.5 मिनट के बाद उन्होंने आंखें खोल के कहा भैया ये तो बड़ा मुश्किल है। बोले फिर तुम राज करने के काबिल ही नहीं हो। बोले मतलब? बोले मैं 5 मिनट क्या पूरा पूरा एक ही चीज पर जिंदगी टिका देता हूं, और जो एक जगह मन टिकाना जानता है उसको थोड़ी देर में अमीर क्या, वो तो दुनिया की सारी जागीर का मालिक बन जाता है। एक जगह टिकने वाले तो बन। मैंने अपने आप को एक जगह टिका टिका कर उसके रहस्य जानने के लिए इतना केंद्रित किया है, किसी भी एक चीज में खो जाए कोई आदमी, परमात्मा वहीं तुम्हें समृद्ध कर देगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाना चाहते हैं तो केंद्रित होना सीखिए, एकांत ढूंढिए। और दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर कुछ भी पाए जाने लायक हो सकती है तो गुरु के नजदीक जाओ, और उनको पास जो प्रयोग करने के लिए इतनी इतनी चीजें हैं उनके हवाले करो अपने आप को। जो करोड़ों अरबों रुपए देकर चीज नहीं मिल सकती, गुरु कभी मेहर देने के लिए और मौज में आ जाए तो आपको चुटकियों में दे देगा, एक झटके में दे देगा। हम लोग जब साधना में थे, साधना काल में किन्नौर साइड में थे, तो वहां ऊपर की तरफ लामा लोग मिले। बौद्धों में जो है लामा लोग होते हैं तो गुफा में बैठकर प्रयोग करते हैं। तो आज्ञा चक्र की साधना चल रही थी, तो मैंने कहा भाई हम लोग भी चाहते हैं कि आपके पास बैठें, क्योंकि हर एक से कुछ ना कुछ जहां से जो मिल सकता था, उस समय खोजी यात्रा जारी थी। तो मैंने सोचा इन लामा साहब से मिलें, उससे पहले इनके चेले से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या करते हैं। उन्होंने कहा एक लकड़ी का नोकीला काटने जैसी चीज है वो चुबाएंगे, यहां निशान लगाएंगे, उससे पहले प्रयोग बताएंगे ये करना है। और जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर वो पकड़ ही लेंगे, उसके बाद भागने का कोई मौका है ही नहीं। अब अगर पहले ही बच के भागना है तो आपकी मर्जी। अब अभी तो उनके बारे में जानने के लिए ही हम लोग लगे हुए थे। पहले वो गुफा देखी जिसमें एक दिया उन्होंने जला रखा था, अजीब सी स्मेल थी उसमें। मेरे साथ एक और सज्जन थे, उन्होंने मन तोड़ दिया, बोले मैं तो जाने वाला नहीं, आपकी मर्जी। हमने पूछा कि इतनी कठिन साधना है, बोले गुरु की मर्जी, वो क्या कर दे। और यहां आपको अपने आप को ऐसा निर्जीव बनाना पड़ता है
जैसे जिधर ले जाए, जैसे गुरु कराए। नव जीवन साधना, क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है क्या? तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं। अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नव जीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा। भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नव जीवन साधना।